अपना हथियार डाल दे, सरेंडर कर दो दोनों के दोनों, कुछ नहीं होगा, आपको वादा कर रहे हैं। यहाँ पे SSP साहब, CO साहब दोनों यहीं पे ही हैं पीछे, और आपके माँ बाप यहीं पे मौजूद हैं, आपको कुछ नहीं होगा। SSP صٲب تہِ CO صٲب تہِ یِم چھِ دَپان تُہۍ کٔرِو سِلینڈر، کیٚنٛہہ پرواے چھُنہٕ، آرام سان ترٛاوو پَتہٕ یَلہٕ، ؤلِو دٔستی۔ کفیل آپ کے بھی ماں باپ یہاں پہ آئے، باہر آ کے سلینڈر کر لو، ابھی SSP صاحب اور CO صاحب آپ کو موقع دے رہے سلینڈر کرنے کا۔ ندیم اور کفیل باہر آ کے سلینڈر کر لو۔ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कुलगांव के हदीगाम इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन में सेना और पुलिस ने दो आतंकियों को घेर लिया था, जिन्होंने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीनगर के रक्षा PRO ने ये जानकारी दी। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने कहा कि अगर हर माता पिता अपने आतंकवादी बेटों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील करते हैं, चाहे वो लाइव एनकाउंटर के दौरान फंसे गए हों या फिर आतंकवाद में शामिल हो गए हों, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि आज की मुठभेड़ में दो लोगों की जान बच गई। सेना को ऐसे इनपुट मिले थे कि कुलगांव के हदीगाम इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं। उसी इनपुट के आधार पर सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंची और आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना की कोशिश रही कि उन आतंकियों को भागने न दिया जाए, इसी वजह से पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था। पिछले महीने 29 जून को ही सुरक्षा बलों ने कुलगांव में दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। उस समय आतंकियों के साथ सेना का एनकाउंटर अमरनाथ यात्रा के रूट से कुछ किलोमीटर दूर ही चला था। इस बार फिर कुलगांव में ही आतंकियों ने गोलीबारी की है। वैसे पिछले कुछ दिनों में सेना द्वारा कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जब से घाटी में टारगेट किलिंग का दौर फिर से शुरू हुआ है, जब से फिर कश्मीरी पंडित सरपंच और भारी मजदूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सेना भी ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस समय क्योंकि अमरनाथ यात्रा जारी है, ऐसे में सुरक्षा बलों की सक्रियता और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।